राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 41 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। उदयपुर वाटी से राजेंद्र सिंह गुढ़ा के सामने बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिया है। राज्यसभा सांसद करोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से, सांसद बालकनाथ को तिजारा से, सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़, सांसद नरेंद्र कुमार को मंडावा, सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा, सांसद देवी सिंह पटेल को सांचौर से मैदान में उतारा गया है। रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन मीणा को बस्सी से टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी के नाम नहीं है। विद्याधर नगर से विधायक नरपत सिंह राजवी की जगह सांसद दिया कुमारी, झोटवाड़ा से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत की जगह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है। भाजपा ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा से प्रत्याशी बनाया, वहीं मंडावा से सांसद नरेंद्र कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा विद्याधर नगर से दिया कुमारी को भी उतारा है। राजस्थान का चुनावी कार्यक्रम कुछ इस तरह रहने वाला है। 200 सीटों के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। चुनाव की अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी होगी। उम्मीदवार 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 7 नवंबर को नामांकन की जांच होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 नवंबर होगी। विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी को खत्म।